लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन के करीब बोरे में मिली अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कर ली गई है। वासी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रमोद तोरडमल के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने हाथ पर बने टैटू के सहारे बबनबाई शांतिबन कामले का पता लगा लिया। इसके साथ ही महिला की हत्या करने वाले आरोपी कानिफनाथ कामले को भी गिरफ्तार कर लिया है। परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज्ञात महिला की मौत और उसके शिनाख्त की जानकारी देते हुए बताया कि मृत महिला गुवंडी की रहने वाली है। सीसीटीवी फुटेज में 29 जुलाई की रात 10:45 बजे के करीब बबनबाई कामले वासी के इनऑर्बिट मॉल के पास अकेले घूमती हुई देखी गई थी, जिसके बाद एक पुरुष भी दिखाई दिया। डीसीपी ने बताया कि आरोपी कनिफनाथ ने पहले महिला के साथ रेप करने की कोशिश की और जब वह बचाव के लिए प्रयास करने लगी तब वह कांच से उसके गले पर और पत्थर से सिर पर वार कर मार डाला और उसके बाद उसे बोरे में भरकर फेंक गया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और कोर्ट ने उसे 27 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। डीसीपी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सुबह इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को मिली कि एक डेड बॉडी इनऑर्बिट मॉल के बाहर मिली है, पिछवाड़ी गली में। तुरंत हम सब लोगों ने वहाँ जाके देखा, छानबीन किया तो माइक्रो छानबीन के बाद पता चला कि एक लेडीज की बॉडी है, 30-40 की उम्र हो सकती है ऐसा हमें लगा था, जिसका पूरा फेस डिकम्पोज था, बॉडी डिकम्पोज थी। लगता था कि ये 2-3-4 दिन पहले का वारदात है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, माइक्रो वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि ये लेडीज़ का बॉडी है। उसके हाथ पे एक टैटू था, वो टैटू एक विशिष्ट मार्क का टैटू था। हमने पूरा मुंबई, नई मुंबई, मुंबई के इलाका, ठाणे इलाके में पूरे कहीं मिसिंग मिलता है क्या, इसका बहुत छानबीन किया। गोवंडी पुलिस स्टेशन में एक लेडीज़ का मिसिंग मिला था, जिसका एज वहाँ 70 लिखा था, जिसका नाम बबनबाई कामड़े था, 70 ईयर्स। लेकिन हमें बॉडी का एज लगता था कि ये 40 के आसपास होगा, तो थोड़ा हमें डाउट था कि ये बॉडी इसी की है क्या। लेकिन उसके सारे रिश्तेदारों को ये सारे कपड़े हमने दिखाए, साड़ी था, कुछ फटा हुआ ब्लाउज और कुछ चप्पल थे, वो सब दिखाने के बाद उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया बॉडी कि ये हमारी माँ का बॉडी है। उसके बाद एक्यूज़ के बारे में कोई पता नहीं था। पूरी नई मुंबई के सारे नज़दीकी इलाके के सारे फुटेजेस हमने इकट्ठा कर लिए थे, सोशल मीडिया पे भी छानबीन किया था। बाद में पता चला एक सीसीटीवी में 29 तारीख को शाम को रात को 9:50 के दरमियान एक इंसान उसको कहीं लेके जा रहा है, लेकिन ब्लर होने की वजह से पिछले कुछ दिनों का भी इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें उसका फोटो क्लियर आ गया, जिसमें उसकी कुछ हरकतें स्पेसिफिक हरकतें थी, जैसे कि वो चलते समय थोड़ा अखड़ता था और उसके बाल उड़ाने का उसका एक लकब थी। वो सब ध्यान में रखते हुए हमने इस इंसान का पता ढूंढने का बहुत कोशिश किया। यहाँ नई मुंबई के उस इलाके के नज़दीक जो सारे भीख मांगने वाले लोग हैं, रोड साइड सोने वाले लोग हैं, हमारे सारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कुछ मजदूर लोग हैं, इन सब से ये फ़ोटो दिखाने के बाद हमें 21 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिला कि इसी वर्णन का एक इंसान यहाँ ब्रिज के नीचे आया है। तो तुरंत टीम ने जाके उसको कब्जे में लिया, उसको पूछताछ करने के बाद उसने ये मर्डर किया, इसकी कबूली दिया है। और 29 तारीख को रात को उसने उसको कुछ खाना देता है करके उसको उस सुनसान जगह पे लेके जाके उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार करने की कोशिश की, जिससे उसने बड़ी स्ट्रांगली अपोज किया और जिस वजह से उन्होंने बाजू में पड़ा हुआ एक ग्लास का टुकड़ा उठा के उसके गले में मार दिया, उसका पूरा फेस खराब कर दिया, सर में भी बड़ी काफ़ी चोटें आई है। तो उसका लगता है कि वहीं पर उसका देहांत हो गया। उसके बाद वो भाग गया था और रेप की वजह से उन्होंने उसका अपोज करने की वजह से उसका मर्डर किया, ये उन्होंने कबूल किया है। 22 तारीख को उसको अरेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने उसको 27 तारीख तक पेशी में भेजा है। हम नई मुंबई वाशी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, ACP, उनके क्राइम इंस्पेक्टर और उनके सारे सहयोगी ऑफिसर्स, जिन्होंने 20 दिन इस गरीब महिला का जो मर्डर है वो उसको उगलवाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की और उसमें हम कामयाब हुए, इससे हमें बहुत खुशी है।
और अभी पता कर रही पुलिस कि इसने ऐसे कोई वारदात को अंजाम दिया है या इसके ऊपर कोई प्रीवियस अर्लियर का कोई रिकॉर्ड है, इसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।